पूरा भविष्य जैसे अंधकार में दिखाई दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यूजीसी नेट परीक्षा की जिम्मेदारी जब से एनटीए ने उठाई है, नेट एग्जाम की तैयारी करने वालों का जीवन एकदम से दुबर हो गया है। हम बीच में फंस गए हैं, हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब हम करें क्या। एनटीए को इस एग्जाम को छोड़ दें। यूजीसी नेट ये देश का एक काफी प्रेस्टीजियस एग्जाम है और इसे कराने की जिम्मेदारी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास है। ये भी देश का काफी प्रेस्टीजियस संस्थान है। एनटीए के पास लगभग हर जरूरी एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी है जो साल दर साल बढ़ती जा रही है। शायद यही वजह है कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, अनियमितताओं की खबरें आम हो चली हैं। नमस्कार, मैं हुमांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। पिछले कुछ समय से यूजीसी नेट अभ्यर्थी हिस्ट्री पेपर के लीक होने को लेकर परेशान है। अभ्यर्थियों की माने तो 10 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उसमें हिस्ट्री के सेकेंड शिफ्ट का पेपर एग्जाम के पहले ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। 10 अक्टूबर को एग्जाम था शिफ्ट 2 हिस्ट्री पेपर का, उसके आधे घंटे पहले ही पेपर सभी के स्क्रीन पे आ गए थे, पेपर लीक हो गई थी। हम लोगों ने इसको एनटीए को मेल भी किया लेकिन एनटीए की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। ये पेपर पहले से ही लीक हो गया, ये भी चाहेंगे कि इस मामले की तहकीकात की जाए और उचित कार्रवाई की जाने की कोशिश की जाए। हालांकि आज एनटीए ने पेपर लीक के मसले पर जवाब देते हुए एक नोटिस जारी किया है। एनटीए ने पेपर लीक की बात को नकारा है और छात्रों से इस पर भरोसा न करने का अनुरोध किया है। पेपर लीक के मसले पर एनटीए का जवाब आ गया है, पर समस्या एक नहीं है, कई सारी हैं। चलिए समझते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नवंबर 2017 में स्थापित किया गया था। इसका काम देश में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को फेयर तरीके से कंडक्ट कराना था। फिलहाल एनटीए के पास जेईई मेन, नीट, यूजी, यूजीसी नेट, सीमैट, जीपैट, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी है। इन तमाम जरूरी परीक्षाओं को करवाने की जिम्मेदारी एनटीए को काफी भरोसे के साथ दी गई थी। इनफैक्ट इसे बनाया ही देश की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होने वाली गड़बड़ियों को सुधारने के लिए गया था, पर जो सोचा था वो नहीं हो पा रहा है। देश के युवा इस भरोसे के साथ अपने जीवन के सबसे कीमती साल मेहनत करने में लगा देते हैं कि परीक्षा कराने वाला संस्थान ये समझेगा कि ये मसला महज एक एग्जाम का नहीं है बल्कि किसी के घर के भविष्य, किसी के चूल्हे की रोटी का है। सालों साल एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का दिल छोटा मालूम है कब हो जाता है, जब एग्जाम देते समय 15-20-30 मिनट इसीलिए वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि सिस्टम हैंग हो गया। जब एग्जाम के डेट के 1-2 दिन पहले पता चलता है कि एग्जाम सेंटर गांव से 300 किलोमीटर दूर है, जब एग्जाम पेपर लीक हो जाए और इस दौरान वो संस्थाएं चुप रहें जिन पर भरोसा जताया गया था। पिछले कुछ समय से यूजीसी नेट की समस्या को लेकर कई लोग हमें मेल लिख रहे थे। समस्या कोई एक नहीं है, एग्जाम पैटर्न, सेंटर, ऑनलाइन मोड, पेपर लीक, आउट ऑफ सिलेबस सवाल, तमाम तरह की परेशानियां छात्रों ने हमसे शेयर की हैं। ये आप हमसे नहीं, खुद ये सब कुछ झेल रहे यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों से सुनिए। पहली समस्या तो ये है कि यह परीक्षा साल में 2 बार यूजीसी के बिहाव पे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, लेकिन पिछले 3 सालों से कोविड का हवाला देते हुए इस एग्जाम को कंबाइंड यानी एक साल में एक ही बार कराया जा रहा है। एग्जाम साल में एक बार हो पा रहा है और उसमें भी ये इतनी बार डिले होता है कि ऐसा लगता है कि अब होगा एग्जाम और 2 दिन पहले ये न्यूज आती है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो चलो ठीक है, तो 2 बार एग्जाम नहीं ले रहे तो आप कम से कम नोटिस निकाल दो कि हम एक साल में एक ही बार एग्जाम लेंगे, वो भी एनटीए नहीं कर रहा है। ऊपर से कंटिन्यूस एग्जाम पोस्टपोन कर रहा है, जून में बोला गया था एग्जाम करेंगे, फिर जुलाई में आ गया, जुलाई से सितंबर में आ गया। एग्जाम खास करके 15-20 दिनों में समाप्त हो जाती थी लेकिन अभी का जो ट्रेंड है वो 3 महीने से एनटीए एग्जाम ही ले रही है। पता नहीं आंसर की कब दे देगी, हम लोग का रिजल्ट कब आएगा। मैम कैलेंडर आता है हर एग्जाम का, यूजीसी नेट का एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं आता है? जिन बच्चों का सेंटर दिया हुआ है 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, उनको 2 दिन पहले आप एडमिट कार्ड जारी कर दे रहे हैं। जब ये फॉर्म फिलअप कराते हैं तो एग्जाम सेंटर के लिए 4 प्रेफरेंस सिटीज का विकल्प देते हैं, लेकिन ये छात्रों को एग्जाम के लिए कहीं 5वीं अन्य सिटी में एग्जाम सेंटर भेजते हैं और वो भी एडमिट कार्ड 2 दिन पहले जारी करते हैं। जो CBT मोड कर दिया गया है उससे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं क्योंकि स्क्रॉल करने में बार बार कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। मेरा एग्जाम 9 जुलाई को था, सुबह 9 बजे का एग्जाम था और वो एग्ज़ाम शुरू हुआ 11 बजे। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हो गया है और आधे घंटे बाद आपके सामने प्रश्न पत्र आते हैं। जब ऐसा हो रहा था तो हमने सेंटर पर कई बार पूछा कि क्या हमें जो हमारा टाइम लॉस हो रहा है वो वापस मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ एनटीए वाले अभी तो नेटवर्क चेक कर रहे हैं,
वो ठीक हो जाता है तो दोबारा से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। लेकिन जब प्रश्न पत्र आ गया अचानक से तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आप जाने और एनटीए वाले जाने। सिस्टम बंद हो जा रहे थे, खुद मेरा सिस्टम दो बार बंद हुआ है जिससे कि मेरा 6 से 7 मिनट तक एग्ज़ाम लेट हो गया था। और जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट था पहले इंग्लिश से लिखा हुआ था फिर हिंदी से लिखा हुआ था। भाई जब हमने फॉर्म भरा था नेट का, जब आपने लैंग्वेज चूज ही करवा लिया है कि आपको इंग्लिश में देना है हिंदी में देना है, तो आप या तो हिंदी में पेपर कर दो या तो अंग्रेजी में कर दो, इसमें क्या समस्या है? सिलेबस जो एनटीए द्वारा निर्धारित किया गया है, क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि जैसे उससे बाहर से आ रहे हैं, मेरे देखने में ऐसा लग रहा है। हमने यूजीसी नेट वालों को कई बार ईमेल भेजा, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, एनटीए की तरफ से कोई जवाब नहीं। वो बहुत ही बेकार दिन था मेरे लिए। एग्जामिनेशन जो हैं वो एनटीए जब से करा रही है पोस्टपोन बहुत होते हैं, और इसलिए इसमें ये समस्या इससे होती है कि कैंडिडेट्स की कंटिन्यूटी है जो पढ़ने की वो ब्रेक होती है, इससे कैंडिडेट्स मेंटली रूप से डिस्टर्ब रहते हैं और उनकी तैयारी बाधित होती है। अगर ऐसे कंटिन्यूस अगर एनटीए करेगा तो कहीं ना कहीं जो यूजीसी नेट एग्जाम की जो वैल्यू है वो तो डिक्रीज हो रही है, साथ ही साथ मतलब ये एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा हार्मफुल सिचुएशन है। एनटीए में बहुत सारे सुधार की आवश्यकताएं हैं क्योंकि इससे बहुत सारे छात्र मेंटली, फाइनेंशियली और हर तरीके से टॉर्चर हो रहे हैं। इन कुछ वीडियोस के अलावा हमारे पास भतेरे मेल आए जिसमें छात्रों ने अपनी परेशानी कही। मोटा मोटी बात ये है कि समस्याएं बहुत सारी हैं और समाधान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ही में है। समाधान के लिए जरूरी है कि समस्या पता हो, छात्रों की बात सुनकर उनकी परेशानी को हमने यूजीसी और एनटीए के लिए समझने में आसान किया है। छात्रों की समस्या के मुख्य बिंदु ये रहे। कोरोना के चलते 3 साल से साल में सिर्फ एक बार एग्जाम हो रहा है, ये छात्रों का सबसे बड़ा मसला है। छात्रों का कहना है कि अगर एग्जाम एक बार हो रहा है तो ये भी ठीक है, पर इसमें कट ऑफ को 6% से बढ़ाकर 12% करना चाहिए क्योंकि अब साल में जो दो बार एग्जाम्स होते थे वो अब एक ही बार हो रहे हैं। बार बार पोस्टपोन हो रहे एग्जाम, ये भी एक बड़ा मसला है। साथ में एग्जाम सेंटर बहुत देर से और बहुत दूर अलॉट हो रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में कई परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि सिस्टम हैंग हो जाता है, कई बार ठीक से पोर्टल नहीं चलता, और ओवरऑल सिस्टम पर काम जिससे छात्रों की मेहनत और समय बर्बाद ना हो, ये भी छात्र चाहते हैं। छात्रों के साथ साथ आज हमने भी एनटीए और यूजीसी से बात करने की कोशिश की, पर फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल जवाब नहीं मिला है। पर सबसे पहला कदम होता है मुद्दे को उठाना और उस पर बात करना, समस्याओं को सुनना, और आज हमने इसी की कोशिश की है। कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर अथॉरिटीज के जवाब को भी जल्द आप तक पहुंचाएं। आज रंगरूट शो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रंगरूट।